आज बना रही हूँ बंद गोभी का पराठा। इस पराठे को खाने के साथ में ना ही आपको चटनी की ज़रूरत है ना ही किसी अचार की। तो यहाँ पे मैं ली हूँ एक बाउल बंद गोभी, जिसे मैं कद्दूकस कर ली हूँ अच्छे से। उसमें डालेंगे एक प्याज बारीक चॉप करके, एक जार लेंगे उसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन के पीसेस, साथ में ही डालेंगे 2 हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे और इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। इसे आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं या फिर बारीक काट के भी डाल सकते हैं, पर ये जो है बहुत ईजी लगता है मुझे, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसी तरह मिक्सी में डाल के इसको हल्का दरदरा पल्स मोड में पीस लेती हूँ। साथ में ही डालेंगे बारीक कटी हुई हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, जैसे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें चिकन मसाला, 1 चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और 2 चम्मच डालेंगे इसमें घर की फ्रेश दही। दही डालने से पराठा जो है सॉफ्ट लगता है और भी ज़्यादा खाने में, और इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बाउल गेहूं का आटा। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का हल्का इसमें पानी डालना है, क्योंकि बंद गोभी से भी बहुत ज़्यादा पानी जैसे कि रिलीज होता है, इसीलिए हमें इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसे इस तरह करना है मिक्स। तो यहाँ पे पराठे के लिए आटे जो है मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, देख सकते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैं ली हूँ सूखा आटा पराठे को बेलने के लिए, और इसे नॉर्मल जो चपाती आती है उससे थोड़े बड़े बड़े बनाएंगे। और सूखा आटा लगा के इसे हम बेल लेंगे। ये पराठा खाने में सच में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इसके साथ में दही में चीनी डाल के खाएं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बार दही में चीनी डाल के उसके बाद इस पराठे को इंजॉय करें। इसे आप चाहे तो बच्चे हो या बड़े किसी को भी लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद में भी इस पराठे का टेस्ट जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है। इसी तरह बेल लेंगे। तवे को अच्छे से गर्म करके गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। एक तरफ से जब थोड़ी सी सिक जाए तो इसे हम पलट लेंगे। आप इसे चाहे तो घी से भी सेक सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे सेक रही हूँ और तेल में। दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। तो यहाँ पे मैं पराठे में तेल की क्वांटिटी जो है बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि पराठे में बहुत ज़्यादा तेल होने से वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप अपने यहाँ पसंद से तेल, घी, चाहे जो भी उसे आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह सारे पराठे को सेक के तैयार करेंगे। बहुत सारी पराठे की रेसिपी जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें और ट्राई करें। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं बोली थी कि ये मीठी वाली दही के साथ में बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मैं दही में थोड़ा सा चीनी डाल के सर्व कर रही हूँ। तो आप भी इसे एक बार इस तरह ज़रूर ट्राई करें। साथ में ही दिन की बची हुई थी थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी, तो उसे भी मैं इसके साथ में सर्व कर रही हूँ। तो ये हमारा पराठा का थाली आपको कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएं, और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।